नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भंडारा के तुमसर तहसील के गोंदाखेरी गांव खेत में बाघ दिखने से मचा लोगों में हड़कंप। देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा। वहीं आपको बता दें कि भंडारा जिले के गोंदाखेरी में आज सुबह गाँव के नजदीक खेत में बाघों को देखा गया। वैसे ही ये बात आग की तरह फैल गई और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं गणेश बनकर उम्र 40 साल, जिसको बाघ ने पंजाबी मार दिया जिससे वो घायल हो गया और कुछ लोग बच गए, जहां सिहोरा पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची, जिन्होंने बाघ को वहां से भगा दिया। 8 बजे के आसपास हमें गोंडेखारी के गांव वालों की तरफ से हमें एक फोन कॉल आया कि गांव के पास जो एक नाला है वहां पे एक शेर बैठा है। तो तुरंत हमारे तुमसर आरएफओ की टीम वहां पे पहुंच गई, उसके साथ साथ हमारी आरआरयू टीम भंडारा, मोबाइल स्क्वाड भंडारा की टीम भी वहां पे पहुंच गई थी। लेकिन उससे पहले ही लोग वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे और किसी ने शेर के पास जाने की कोशिश की, तो उसमें श्री बनकर जी पे शेर ने थोड़ा सा हमला किया और उनको फिर शासकीय अस्पताल भंडारा में एडमिट किया गया, इलाज के लिए एडमिट किया गया है। उसके बाद हमारे लोगों ने उसको अच्छे से ट्रैक करके, शेर है, शेर के लिए जंगल की तरफ जो जाने का रास्ता था क्लियर करके शेर को आगे जाने के लिए रास्ता क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने 10 बजे से लेके 1 बजे तक ट्रैक किया। हमें अभी शेर जो है सोंडा के जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। तो मेरी सभी जो गांव वाले हैं कि महाल गांव, गोंडेखारी कि गांव वालों से सभी से एक विनंती है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है कि आपको शेर दिखाई देता है तो आप उसके पीछे भागिए मत, या कुछ आप खुद अपनी तरफ से कोई एक्शन ना ले, आप वन विभाग को कॉल करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1926। इसमें आपका भी फायदा है, जैसे आज कोई आदमी इंजोर हुआ उससे बच जाएगा और शेर को भी आसानी से अपने अपने जंगल में जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब सब मेरी सभी गांव वालों से पुनः एक बार विनती है कि आपको कहीं भी शेर दिखाई देता है तो आप वन विभाग को संपर्क करें तुरंत। आप अपने तरफ से कोई एक्शन लेने की कोशिश ना कीजिए। इसमें आप इंजर्ड हो, आप जख्मी हो सकते हैं या आप पे शेर हमला कर सकता है, इसलिए आपसे पुनः से विनती है। जैसे इधर शेर भागा उस टाइम में हम भी पब्लिक के पीछे पीछे भाग रहे थे। उस टाइम में फिर पब्लिक आगे चले गए, हम पीछे ही रुके थे, लेकिन शेर पीछे झुंड में रुका हुआ था। उस टाइम में फिर हम 4-5 लोग पीछे ही रुक गए थे। फिर हम जैसे शेर को देखे, शेर दौड़ा, फिर हम भी भागे। वहाँ से एक आदमी शेर के हाथ में लग गया तो उसको थोड़ा, उसने शेर ने पैर वैर लगा दिया, हाथ पंजा मार दिया तो वो घायल हो गया, उसका रक्त वक्त निकल गया।